हमारे द्वारा दिया गया टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो सकेगा और उससे और बेहतर समाज बनाने में काम आएगा। अपना मानना यह है कि यह कार्य अपने आप से शुरुआत हो सकती है, लोगों तक पहुंचे, लोग उसको करें। आप कैसे मदद कर सकते हैं? आपको करना यह है कि आप कुछ भी बाहर ना फेंके, आप अपने दुकान के आगे, अपने मकान के आगे, अपने कारखाना के आगे, अपने ऑफिस में एक डस्टबिन अवश्य रखें। जैसे जैसे आप डस्टबिन का यूज करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये एक बदलाव नजर आएगा। सड़क में कचरा कम नजर आएगा। जब सड़क में कचरा कम नजर आएगा तो जो सफाई कर्मचारी भाई है हमारे, उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, उनको कचरा एकत्र करने में आसानी होगी। जैसे जैसे उनको आसानी होगी, वो हमारे सफाई में ज़्यादा समय देंगे और सफाई का जो अन्य क्षेत्र है उनको भी वो साफ कर पाएंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका सफाई में जो कचरा है उसको एकत्र करने में बीत जाता है। सुबह में वो अहले सुबह उठ के आपके समक्ष आ जाते हैं, जिससे कि नागरिकों को आसानी हो। हमारे द्वारा जो लास्ट नाइट तक की फैलाई हुई गंदगी है, उसको सुबह हमारे ऑफिस जाने से पहले साफ सफा कर हमें एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास करते हैं। उनका कार्य सराहनीय है, उनकी ये ड्यूटी है, सरकार ने उनको रखा है, पर हम नागरिक हैं, हमें सरकार ने इस वजह से एक सहयोग कर रहे हैं कि सफाई अभियान आप करो, कचरा को निपटान करो। कचरे से आप कुछ यूजफुल चीज़ ले सकते हो, आप गमला खरीद सकते हो, आप पौधे लगा सकते हो, आप हरियाली फैला सकते हो, आप एक अच्छा वातावरण बना सकते हो, आप पर्यावरण बचा सकते हो। आइए मिलकर इस अभियान में साथ चलें, जिससे कि आने वाले समय में बुरारी का एरिया, बुरारी का क्षेत्र पूरे विश्व मानचित्र में नज़र आए। यदि किसी को विकास का मॉडल के लिए हम गुजरात का उदाहरण देते हैं, तो पर्यावरण और स्वच्छता के लिए हमें लोग बोले कि ये बुरारी का मॉडल है। बुरारी मॉडल, मेरे माइंड में एक बात आई कि क्यों ना हम पूरे विश्व का संदेश दें कि यह एक सफाई का बुरारी मॉडल है। इस बुरारी मॉडल के लिए हम लोगों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आइए आप भी बनिए पर्यावरण मित्र। क्या आप बनना चाहेंगे पर्यावरण मित्र? आपके समक्ष इस मंच में आपका स्वागत है। आप आइए, आगे आइए, हाथ बढ़ाइए। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर फॉर बेटर एनवायरनमेंट। एक अच्छे वातावरण के लिए हम हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें, साथ में मिलकर काम करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग यही है कि आप कुछ भी बाहर न फेंकें, आप अपने दुकान के आगे ज़रूर डस्टबिन रखें। अपने ग्राहकों से अनुरोध करें कि डस्टबिन का यूज़ करें। सबसे ज़रूरी बात है, दिवाली का माहौल है, स्वर्ग से लक्ष्मी गणेश जी आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। और बहुत सारे अच्छे लोग हमारे बीच आ रहे हैं।